गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स डे 14 और कल से मुझे ऐसी न्यूज़ आ रही है कि कोरोना के वजह से जिम बंद होने वाले हैं। तो गुजरात में जो हालत है अभी कोरोना के कारण, उसके कारण जिम बंद होने वाले हैं, ऐसा न्यूज़ सुना है। प्रोबेबली बंद होने वाले हैं, तो मैं आपसे सबसे विनती करता हूँ कि अपना मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। एनीवेज वो तो देखा जाएगा, लेट्स गो। पहले वेट चेक कर लेते हैं अपन आज का और फिर आगे जाएंगे जिम एज यूजुअल, मेरी कॉफ़ी पी के। लेट्स गो। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है और ये 100 ग्राम प्रोटीन के पीछे रीज़न क्या है, तो आपको बता दूं, जब भी आप फैट लॉस या वेट लॉस करना चाहते हों तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं कि मैं मसल्स बिल्डिंग कर दूं, जिसके कारण मैं प्रोटीन की मात्रा बहुत हाई कर देता हूं। उससे फ़ायदा ये होता है कि बॉडी के पास बचाने के लिए प्रोटीन होता है और लूज़ करने के लिए फैट्स मिल जाता है उनको। इसलिए अब जब फैटी होता है कोई इंसान तो उसमें सबसे ज़्यादा फैट रहता है, ठीक है। तो बॉडी को सर्वाइव करने के लिए कुछ प्रोटीन या फैट, वो दोनों में से एक चीज़ चाहिए रहती है। इसलिए जब आप प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हो तो वो इजीली फैट को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए ये मेरा गोल है कि मैं 100 ग्राम प्रोटीन डेली कंज्यूम करूं। अब नेक्स्ट 15 डेज़ में मेरा ऐसा प्लान है कि मैं कीटो डाइट चालू करूं, जिसमें कार्ब्स बहुत कम खाने हैं मुझे, फैट्स सबसे हाई और प्रोटीन मीडियम लेवल पे। तो मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा कीटो डाइट स्टार्ट करूं। आगे मैंने कर रखा है लेकिन एक बार फिर से हम प्रॉपर वे टू स्टार्ट करेंगे, उसकी जो भी जानकारियाँ होंगी मैं आपको बताते जाऊँगा। तो लेट्स गो फॉर जिम।
अभी मैं 1 घंटा पढ़ाई करूँगा, मैं अभी फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा खाना खा के वॉक पे चलेंगे, तो थोड़ा पढ़ लिया जाए।